और आइए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर हंगामे की स्थिति इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। डिप्टी लीडर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कैबिनेट सुदीप जी टुडे इन द ऑल पार्टी मीटिंग इट वॉज डिस्कस सर्टनली दैट नोबडी शुड क्रॉस द फ्लोर फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड एंड दे स्टार्टेड क्लैपिंग. You also, it was decided, they should not come to this side also. And even they come, they will also be suspended. They will also be suspended. So suspension question of both the sides, not for this side only, for that side also. एक मिनट, सदन को फिर मैं आपको अवगत करा दूं. चाहे तेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी जो इधर की बेंच पर जाएगा. यही बात हुई थी ना. तो इस बात पे मैं सदन में व्यवस्था दी है, कोई भी व्यक्ति मैं विषय पर नंबर दो आपका क्या मत है इसमें सर? इधर से क्रॉस करने में सर मेरा निवेदन इतना ही है. सुनिए अधीर रंजन जी, थोड़ा सुनिए. एक मिनट, आपको भी मौका दिया मैंने बालू जी. नहीं, ऐसे नहीं. आपको भी मौका दिया, सबको मौका दिया, इनको भी इस विषय पर भी आप नहीं. दादा ऐसे नहीं, सबको मौका दिया मैंने. आपके नेता को भी मौका दिया, एक दल से एक नेता को मौका दिया, ठीक है ना? हाँ सर. हाँ. सदन में हाउस बैठे यार. एक मिनट. सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, हम पूरे तहे दिल से वो स्वागत करते हैं और हम आपके साथ रहते हैं. और मुझे इतना ही कहना है, दिल्ली के बारे में जो अधीर रंजन जी उठा रहे हैं वो तो जीरो ओवर में जो उठाने का है उठाने दो. पूरा सुनो ना, पूरा सुनिए पहले, बाद में पूरा तो सुन. आप तो मिस्टर बालू, यू आर ए सीनियर मेंबर, इफ यू डोंट वांट टू लिसन मेरा पूरा वाक्य भी आप सुनना नहीं चाहते. यू जस्ट लिसन टू मी मिस्टर सुरेश. You are senior member, listen to me. पूरी बात कहने दो ना. मैं आप पूरी बात कहने दो उनको. उन्हें पूरी बात समाप्त कर दी क्या? अरे नाउ बालू जी, प्लीज प्लीज क्या? आप उनको पूरी बात कहने दे, उसके बाद रिस्क करें ना. नहीं, उनको पूरी बात कही नहीं आपने, उसके पे ये सिस्टम से सदन चलाओ. हाँ एक मिनट प्लीज, मैंने आपको समझाया ना प्लीज. सर आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, यस्टरडे ऑल्सो वी हैड सेड, हमने ये बताए थे कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था. मैं इतना ही कहता हूं, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलसी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. फिर भी जब आप तय करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है. अभी प्रश्न काल है. Speaker, decide. Adhir Ranjan ji, you are a senior leader. What are you doing? You don't want to run the house? The finance business hai, finance bill hai, hamara obligation hai, constitution obligation. दूसरी बात, एक मिनट प्लीज बाल सुरेश जी प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूं. हाँ प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए. बालू जी प्लीज बालू जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं. प्लीज सिट डाउन. मैं एक मिनट. जब मैं कोई व्यवस्था दे रहा हूं उसके बाद भी आप इस तरीके से बोलते रहेंगे. दूसरा विषय सदन में जो हुआ, प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना. नो
संसद चलाना चाहते हो क्या? संसद की मर्यादा इस तरीके से चलाना चाहते हो क्या? ये बताओ, अनाउंस करो आप कि आप प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं। मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप, बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आपसे मतलब प्ले कार्ड लेके चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। तरीका है कुछ नौ आज चलाइए ना, ऐसा चलाना चाहते हो आप संसद? ओ ये बता दे, प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो? नौ और सारे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाती है। नुमाइंदे बन के ही आते हैं देश की विषय उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं आज और ये आप कार्रवाई लोकसभा से देख रहे थे, लेकिन हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने नोटिस दिया था, दिल्ली हिंसा को लेकर चर्चा और बहस विपक्ष चाहता था, लेकिन इस बीच हंगामे की एक स्थिति लोकसभा में बनती हुई दिखाई दी, जो सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। अब इसके मद्देनजर 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली हिंसा जिसमें 45 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, दिल्ली के हालात को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, सीधे इसे गृहमंत्री से जोड़ा गया और विपक्ष ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस पर बयान दें, और इसी पर चर्चा विपक्ष चाहता था, लेकिन हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। सबकी सहमति से चलता है। और सदन माननीय सदस्यगण, सदन सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है, और सदन सहमति और सबके सहयोग से चलता है तो सदन ठीक से संचालित भी होता है। आप लोगों ने तय किया था कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल है, जब कभी विषय होंगे तो हम प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाएंगे। आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर एक, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। नौ सदन को इसी तरीके से चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।